और जिस तरह के हालात दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर बने हो, अब ये जो मामला है वायु प्रदूषण का, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सर्वोच्च अदालत अब इस मामले पर सुनवाई करने के लिए राजी भी हो गया है। पूरी खबर आप देखिए। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली एनसीआर की हवा प्रदूषण के कारण जहरीली हो गई है। कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 600 के आसपास है। मुख्य न्यायाधीश यूयू की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष याचिकाकर्ता ने वायु प्रदूषण को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने की मांग की थी। याचिका में पंजाब हरियाणा में पराली जलाए जाने का मसला उठाया गया और आग्रह किया कि दिल्ली पंजाब हरियाणा और यूपी के मुख्य सचिवों को तलब किया जाना चाहिए। याचिका में दावा किया गया है कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के 1 नवंबर के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में पराली जलाने की 2109 घटनाएं दर्ज की गई हैं, जिसमें पंजाब में 1842, हरियाणा में 88, यूपी में 9 और दिल्ली में 1 घटना रिकॉर्ड की गई है। याचिका में प्रदूषण के बढ़ते स्तर के पीछे पराली जलाने की घटनाओं को जिम्मेदार बताते हुए सुप्रीम कोर्ट से इस बारे में नए दिशा निर्देश जारी करने की मांग की गई है